हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आईबीआर सर्टिफिकेट का बारे में बहुत सारा डिटेल्स। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे आईबीआर जो सर्टिफिकेट होता है उसमें आखिर कितना दिन का वैलिड डेट रहता है और कितना दिन बाद आपको रेनुअल करना पड़ेगा। और ये पीछे में बैक साइड में जो खाली जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोड़ा हुआ है वहाँ पर क्यों इसको छोड़ा जाता है और आप कैसे रेनुअल करा सकते हैं, कैसे आप आईबीआर सर्टिफिकेट बना सकते हैं और आईबीआर सर्टिफिकेट में अगर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है आप कैसे पहचान सकते हैं और आईबीआर का सीरियल नंबर पे कहां पर होता है, तो सारा चीज़ हम आईबीआर के जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक आईबीआर सर्टिफिकेट है जो कि मेरा है। मैं सबसे शुरू बार में जो आईबीआर सर्टिफिकेट बनाया था तो ये मेरा आईबीआर सर्टिफिकेट था। तो ये आईबीआर सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है आईबीआर सर्टिफिकेट में देखना पड़ेगा कि ये जो आपका जो फोटो रहता है यहाँ बीचों बीच एक स्टैम्प लगा रहेगा, यहाँ झारखंड सरकार का यहाँ लिखा रहेगा और यहाँ पर अशोक स्तंभ जो होता है उसका यहाँ पर लोगो रहेगा। तो और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जो साइन होता है बॉयलर इंस्पेक्टर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका साइन भी है बॉयलर इंस्पेक्टर जो होता है। तो ये पहले का जो था ये संतोष वर्मा था, जो मतलब हम जिस टाइम में इसमें आईबीआर सर्टिफिकेट बनाए थे तो ये संतोष वर्मा का था, उन्हीं का साइन है यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी है संतोष वर्मा जो ऊपर में है, तो शुरू में संतोष वर्मा था, उसके बाद जब 2015 में तो उस टाइम आर बी चौधरी आ गया था, तो जो बॉयलर इंस्पेक्टर बना था आर बी चौधरी था। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर हम रेनुअल कराया है। तो मेरा जो कुल मिला के कहने का जो मतलब है, तो सबसे पहले जब आप आईबीआर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसमें आपको जो ध्यान देना पड़ेगा ये आपका ये जो स्टैम्प लगा है क्या नहीं ये देखना पड़ेगा फोटो के अंदर में, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पर सीरियल नंबर जो होता है सीरियल नंबर में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मेरा सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 63.01S ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज़ आपको जो देखना पड़ेगा यहाँ पर जो सर्टिफिकेट, देखिए ये वाला जो सर्टिफिकेट में मतलब फ़ोटो में साइन है क्या नहीं है ये देखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं साइन है, मतलब इतने जगह में काफ़ी जगह में यहाँ पर साइन रहता है उनका, ठीक है। तो ये मेरा लो एलो स्टील का आईबीआर सर्टिफिकेट था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक बार आप अगर आईबीआर सर्टिफिकेट बनाते हैं तो यहाँ पर आपका जो है मतलब 1, 2, 3, ठीक है, मतलब 3 बार आप यहाँ पर रेनुअल करा सकते हैं। तो एक बार जब आप रेनुअल कराएंगे तो सबसे शुरू बार में तो जब आप सर्टिफिकेट बनाएंगे तो उसमें 2 साल का वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 10/10/2011 जो था वहाँ पर हम सर्टिफिकेट को बनाए हैं। उसके बाद में जो है यहाँ मेरा डेट जब इतना दिन हम बनाए तो यहाँ से मेरा 9/10/2013 तक मतलब हम 2 साल का जो सर्टिफिकेट हमको वैलिड मिला, मतलब जिस दिन हम बनाए उतना दिन के बाद से 2 साल हम इसमें जॉब कर सकते हैं। उसके बाद में फिर हम जब 2013 में देखिए यहाँ से जब ख़त्म हुआ तो फिर यहाँ का 10/10/2013 से हम फिर 9/10/2015 तक इसमें फिर हम 2 साल का और मतलब डेट को बढ़ा दिए, ठीक है। तो डेट को बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कहीं भी आप जॉब करने के लिए जाएंगे तो आपको टेस्ट देगा नहीं, क्योंकि ये एक वैलिड होता है ये आईबीआर सर्टिफिकेट का। देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वालिफाइड बॉयलर वेल्डर यहाँ पर सर्टिफिकेट है, ये एक तरह का लाइसेंस ही है मान के चलिए वेल्डर लोगों के लिए जो आईबीआर वेल्डर होता है। तो ये एक चीज़ आप समझ चुके होंगे अभी। तो कुल मिला के जो बात है यहाँ पर आपका आईबीआर सर्टिफिकेट बनाने के बाद में आप सिर्फ एक बार तो यहाँ पर डेट आपका लिखा रहेगा, उसके बाद सिर्फ 2 बार यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो आया है इसमें थोड़ा सा और एक घाटी ज़्यादा है, मतलब घर जो है एक घर ज़्यादा है, तो एक बार और आप कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी मतलब ये करके यहाँ से एक पीएन से थोड़ा सा और ये करके एक घर वहाँ पर एक जो घेरा हुआ एक बना देता है, कभी कभी कर भी देता है, कभी कभी नहीं भी करता, बॉयलर इंस्पेक्टर अगर मतलब मर्जी होगा तो करता है। तो अगर नहीं, अगर ऐसा प्रॉब्लम है मतलब उनको नहीं लगता कि नहीं होगा यहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ कुछ है, तो फिर से आपको जो है नया आपका बनाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर आप यहाँ ये वाला जो है पहले वाला जो है तो आपको जब आईबीआर बनाते हैं तभी मिल जाएगा, उसके बाद दूसरा बार आप करा सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद तीसरा बार करा सकते हैं, उसके बाद से फिर आपको नया एक ऐसा वाला आईबीआर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइप का डाया और आपका थिकनेस दिया रहता है पीछे साइड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइप का जो आपका डाया है वो 168.3 है, ठीक है। और इसका जो थिकनेस है पाइप का तो ये 18.3 mm है, तो यहाँ पर 18.3 mm का थिकनेस हो गया। उसके जस्ट नीचे में आप अगर थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्यूब का होता है, ठीक है, तो ट्यूब का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका 70.1 mm OD हो गया। उसके बाद इसका जो थिकनेस है, ठीक है, तो थिकनेस आपका 6.1
यहाँ पर 6.35 mm दिखा रहा है, ठीक है, थिकनेस है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर डाया थिकनेस सारा कुछ यहाँ पर मतलब दिया हुआ रहता है। उसके बाद में आपको कौन कौन से यहाँ पर आप इलेक्ट्रोड से मारते हैं ये सब भी यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो देखिए ये एक लो एलो स्टील का है, तो यहाँ पर सिर्फ एलो स्टील लिखा हुआ है। और ये कौन सा जॉइंट होता है, बार जॉइंट है कि कौन जॉइंट में टेस्ट हुआ, ये सब दिया रहता है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पर जो देख सकते हैं यहाँ पर भी पीछे में भी इसका जो आपका मतलब वैलिड कितना दिन का है, तो वो भी सारा चीज़ यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। और लास्ट में दोनों जगह में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर साइन है। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पर मतलब 1, 2, 3 आप देख सकते हैं, मतलब 3 बार ही होता था, मतलब जिस दिन से आप किए हैं मतलब सर्टिफिकेट को बनाए हैं, लेकिन अभी इसमें 1 घंटी बढ़ा दिए हैं। और अगर आप नीचे में थोड़ा सा और देखेंगे तो नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो एक्सपीरियंस कितना है, ये जो खाली जगह छोड़ा जाता है, आप कितना दिन से कितना दिन तक आप वहाँ पर जॉब किए, तो वहाँ जो जहाँ पर आप जॉब करते हैं वही का यहाँ पर जो मतलब QC मैनेजर होता है वही यहाँ पर साइन करता है, यहाँ पर लिख देता है। मतलब यहाँ पर देखिए फॉर्म और यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो मतलब आप कितना दिन से कितना दिन तक वहाँ पर जॉब किए ये आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ, उसके बाद एक्सपीरियंस है। तो किस इस टाइप का नीचे में जो रहता है वो आपका एक्सपीरियंस दिया जाता है लिख करके कि आप इतना दिन से इतना दिन तक यहाँ पर जॉब किए हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला के जो बात है, इस जो IBR सर्टिफिकेट रहता है इसमें 2 साल का ही वैलिड रहता है। और दूसरा बात है यहाँ पर सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है या नहीं है, यहाँ पर स्टैम्प लगा रहेगा एकदम अच्छे से फोटो में, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो चीज़ है यहाँ पर सीरियल नंबर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बायां अंगूठा का यहाँ पर छाप जो होता है देना पड़ेगा बायां हाथ का, ठीक है। तो उसके बाद में और इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बाकी तो आपको कहीं में भी आप अगर जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको टेस्ट मारना ही पड़ेगा। यह नहीं कि आप IBR लेकर के जाते हैं सर्टिफिकेट तो आपको टेस्ट नहीं मारना पड़ेगा, टेस्ट कहीं में भी जाइए ये सर्टिफिकेट सिर्फ देखेगा यहाँ पर कि आपके पास IBR सर्टिफिकेट है या नहीं है, कितना दिन का एक्सपीरियंस है। यह नहीं कि आप IBR सर्टिफिकेट दिखा के कहीं में जॉब आपको दे देगा, कहीं में नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं 2011 से लेकर के अभी लगभग 2021 तक हम जॉब अभी कर रहे हैं IBR का, लेकिन कहीं में भी ऐसा नहीं हुआ कि हम IBR सर्टिफिकेट दिखा करके जॉब किए। और दूसरी बात, आप अगर नया सर्टिफिकेट बनाते हैं तो जब नया कहीं में बॉयलर में जॉब आता है बॉयलर पावर प्लांट पे, तो वो सर्टिफिकेट पे फिर बॉयलर इंस्पेक्टर के पास में भेजा जाता है इस सर्टिफिकेट को, और वो खुद अपने हाथ से चेक करता है कि मेरा सर्टिफिकेट है या नहीं है, फिर इन्वेस्टमेंट होता है। मेरा जो कहने का मतलब है, अगर शुरू शुरू में कोई में बॉयलर बनता है, मतलब शुरू में जब 10-15 IBR रहता है, तो पूरा IBR का सर्टिफिकेट फिर बॉयलर इंस्पेक्टर के पास ही जाता है उस राज्य जो होता है, जैसे कि अगर झारखंड में कर रहा है या फिर वेस्ट बंगाल में कर रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, ये सर्टिफिकेट वो उसके पास खुद एक बार भेजा जाता है कंपनी की तरफ से। तो जब वहाँ पर जाएगा तो वो खुद चेक करता है कि ये सर्टिफिकेट मेरा बना हुआ है या डुप्लीकेट है या क्या है, वो सारा चीज़ जो है चेक कर लेता है। तो फ्रेंड्स आप अगर कोई भी IBR सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या फिर IBR आपको रिन्यूअल करना है, तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, आपको एक नंबर दिया जाएगा, वहाँ से आप IBR सर्टिफिकेट बना भी सकते हैं, रिन्यूअल भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं एक नंबर दे देंगे, ठीक है, टाइटल में, वहाँ से भी आप कॉल करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैनल में ऑलरेडी IBR कैसे बनाया जाता है उसका वीडियो बना हुआ है, IBR का पेमेंट कितना है इस चैनल में वीडियो बना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो का दिल से पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।